हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे द पेट गुरु के चैनल पे। तो अगेन हम अल्ताफ जी के साथ है, अल्ताफ अवेरी पे इन मुंबई जे बी नगर। तो हेलो अल्ताफ, कैसे हो भाई? मुंबई सेकेंड वीडियो शूट हो रहा है अपना, ठीक है? तो इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? हाय गाइस, ये अपना सेकेंड वीडियो शूट हो रहा है कॉकटेल्स का भी। और का राइट नाउ अभी मेरे पास कॉकटेल्स में अभी पीसेज अवेलेबल है। ये पाइड अवेलेबल है, फॉन पर्ल पाइड है और वाइट फेस है। और सब अभी हैंड फीडिंग पे? सब हैंड फीड पे भाई, सबके सब हैंड फीड पे। किसी को चाहिए तो बुकिंग कर सकता है। बहुत छोटे बड़े हैं, हैंड फीड पे लेना है तो जिम्मेदारी से लो, नहीं तो फिर इसको सेल्फ करके मिल जाएगा आपको पीसेस। और मेरे पास थोड़े वाइल्ड में भी अवेलेबल है और थोड़े छोटे, एकदम ज़्यादा छोटे। तीन कौन से मेडिसिन के? ये पाइड है भाई, पाइड बोलेंगे, वाइट फेस भी बोलते हैं, वाइट फेस बोलेंगे, पर ये वाइट फेस नहीं है। कैसा, इसका फेस अभी वाइट है। ओके, वाइट फेस का कैसा होता है, वाइट फेस है ना, जो लोग म्यूटेशन देख रहे हैं ना वाइट फेस की, वो कैसा होता है कि वाइट फेस से ना 8 महीने बाद मोल्ट करता है। अच्छा, पहला बर्ड है ना ज़्यादातर ब्लैक रहता है। ये भी असल में तो पाइड है, देखो इसको भी यहाँ पे वाइट आ गया। जो रियल वाइट फेस सबका म्यूटेशन है ना, वो पूरा ब्लैक रहेगा या ग्रे रहेगा, और वो जब मोल्ट करेगा ना फर्स्ट मोल्ट, तब उसका सर है ना वाइट होता है। ओके, और कौन सा भाई? पर्ल, ये पर्ल है, फॉन पर्ल पाइड है, पर्ल पाइड में है ये पर्ल। अभी देखो इसका इतना पता नहीं चल रहा है, पर्ल पाइड को पर्ल दोनों में से कोई भी निकलेगा ऐसा है अभी तो करेंटली। और पाइड में मेरे पास देखो ये पाइड है भाई, पाइड में कैसा है कि ये थोड़ा हैवी मार्किंग का है, इसको लाइट पाइड बोला जाएगा। ओके, मतलब इनकी मार्किंग जितनी हैवी होती है ना उसको लाइट बोला जाता है, क्योंकि पाइड का मतलब क्या होता है मालूम है? जो आपको ये व्हाइट कलर दिख रहा है ना उसको पाइड बोला जाता है। तो ये लाइट पाइड है, इसकी मार्किंग बहुत लाइट में आई। जो बटरफ्लाइज होते हैं, ये होते हैं ना जिनको मार्किंग बहुत कम होती है, उनको हैवी पाइड बोला है। हैवी पाइड भी मेरे पास रहते हैं पीसेस, पर करेंटली अभी मेरे पास नहीं है, अभी थे जो चले गए। अभी करेंटली मेरे पास ये थोड़ा लाइट पाइड में है, और इससे थोड़े लाइट में मेरे पास चिक्स है, 3 चिक्स है, वो भी पाइड के अवेलेबल है। थोड़ा मतलब समझ लो सैडल बैग जैसे, सैडल बैग के पीसेस बोल सकते हैं, सैडल बैग, परफेक्ट सैडल बैग बोलोगे ना तो वैसे में है, वो भी 3 पीस अवेलेबल है। उसके चिक्स आपको दिखा देता हूँ, चाहिए तो। छोटे है अभी करेंटली, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे अभी तो, अभी तो मैंने हैंड फीड पे भी नहीं लिया। पर किसी को चाहिए तो जब तक शायद वीडियो आएगी, जब तक थोड़ा कवर अप हो जाएंगे वो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा मेरे साथ अपडेटेड रहोगे तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग करोगे तो मिल जाएगा आपको जो भी। जिसको हैंड फीडिंग करने आता है तो भाई, हैंड फीडिंग करने आता है तो ही लो, जिम्मेदारी का काम है, 3 टाइम करना पड़ता है, सबर से करना पड़ता है, और पेट लाइफ के साथ नहीं करना पड़ता है। अच्छे ब्रांड के साथ करो, पेट लाइफ के साथ मत करो। पेट लाइफ में जाओगे तो अच्छी, मतलब देखो मैं किसी ब्रांड को ये नहीं कर रहा हूँ, पर वो ब्रांड सस्ते में चीज़ दे रहा है पर अच्छी चीज़ नहीं दे रहा है, वैसा है तो वो चीज़ आपको बोलना पड़ेगा। देखो कोई अच्छा करे तो अच्छा बोलना भी ज़रूरी है, और जो बुरा करे उसके लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क्योंकि देखो लोग आते कैसा है ना, आजकल लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? लोग है ना सिर्फ सस्ते के चक्कर में जा रहे हैं कि मेरे को सस्ते में कैसे बर्ड मिल जाए और ये सस्ते में सेल्फ कैसे हो जाए। तो कैसा करते हैं कि थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में हैंड फीड पे बर्ड ले लेते हैं, थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये बचाने में हैंड फीड पे बच्चा ले लेंगे। उसके बाद में देखेंगे सबसे सस्ता हैंड फीडिंग फार्मूला कौन सा मिल रहा है तो मिलेगा पेट्स लाइक, उसके बाद में उससे हैंड फीड कर दो, नुकसान कर लोगे अपना थोड़ा सा बचाने के चक्कर में। तो अगर किसको हैंड फीडिंग लेना है फार्मूला अच्छी, तो आपके पास अवेलेबल है फॉर्मूला? भी अपने पास अवेलेबल है, A19 अवेलेबल है, KT अवेलेबल है। देखो मेरे पास फॉर्मूला हमेशा अवेलेबल रहता है, जैसे इस पे देख सकते हो, ये अभी देखो डब्बा पूरा खाली हो गया है, तो लोगों को पूरा डब्बा लेना पड़ेगा एक कॉकटेल के लिए? नहीं 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 नहीं, डब्बा तो बहुत ज्यादा है भाई, ये तो मैं ऐसा मंगाता हूं, यहां 2-3 डब्बे का पड़े। एक कॉकटेल को अगर हैंड फीडिंग करना है, अगर आपके पास से किसने हैंड फीडिंग की चीज लिया तो मिनिमम कितना परचेस करना होगा उसके लिए? ये चीज है ना, देखो भाई मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता। बर्ड ना लोग सोचते हैं कि हर बर्ड एक साल एक शरीर का खाता है, नहीं। गूगल पे ना आपको कोई भी चीज मिलता है ना वो एक ना एवरेज रिव्यू दिया जाता है। ओके, तो कैसा होता है, एक एक बर्ड मेरे पास ऐसे भी है जो ना एक टाइम पे 15 ml खा लेते, 18 ml खा लेते, और एक एक बर्ड है जो 10 ml ही खाते। ओके, वो डिफर करता है बर्ड कितना खाता है, फिर भी अंदाजन बोलूं तो आधा किलो 200 ग्राम या नहीं, नहीं आधा किलो तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। मैक्सिमम बोलूं तो 200-250 ग्राम में, मतलब उससे तो उतना छोटा पीस तो आप लोगे नहीं कि उतना हैंड फीड लगे।
समझ लो एक 200-250 ग्राम में आपका बर्ड मैक्सिमम प्रोबेबली सेल्फ में आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसा लोगे जो बर्ड कवर अप होगा, क्योंकि कॉकटेल कैसा है ना भाई, डेजर्ट एरिया से बर्ड आता है। कॉर्नियर्स है ना, कॉर्नियर्स कैसे है ना, थोड़े जंगल टाइप में से आते हैं जहाँ पे बारिश होती है ना, तो कॉकटेल और कॉर्नियर में बहुत डिफरेंस है। कॉकटेल को ना ठंडी नहीं चलती, अच्छा इनको हीट चाहिए, ये गर्म डेजर्ट टाइप के बर्ड है। कॉकटेल और कॉर्नियर की डाइट भी बहुत डिफर करती है, हर बर्ड का डाइट सेम नहीं है। ऐसा मत सोचो कि ये बर्ड ले लिए वो बर्ड ले लिए सेम डाइट दे देंगे तो नहीं होगा। कॉर्नियर को आपको सॉफ्ट फूड बहुत ज्यादा देना पड़ता है, फ्रूट ज्यादा देना पड़ता है, वेजिटेबल ज्यादा देना पड़ता है। कॉकटेल्स को सीड ज्यादा देना पड़ता है। ऑन एन एवरेज बोलूँ तो कॉर्नियर को आपको लगभग समझ लो 20-30% मैक्सिमम आप सीड दे सकते हो, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। कॉर्नियर को कॉकटेल को कॉर्नियर नहीं कॉकटेल को कॉकटेल को मिनिमम आपको 60% सीड देना, मतलब उतना डिफर करती है इनकी डाइट। तो ये गर्म रखने वाले बर्ड है, ठीक है। और आपके कॉकटेल से जो चिप्स वगैरह इनका प्राइसिंग क्या रहेगा वो भी बताओगे? प्राइसिंग के लिए कॉल करो भाई, मेरे पास बहुत सारे म्यूटेशन है। और कैसा होता है प्राइसिंग में ज्यादातर बताता नहीं हूँ, क्योंकि बताओ कि हमारे व्यूअर्स को ये हो जाए ये अभी वो कि हमको चलना है तो अल्ताफ भाई के पास हम परचेज कर सकते हैं ना। सेल्फ में देखोगे तो भाई ऐसा है कि व्हाइट फेस में देता हूँ 3,800-4,000 तक दे देता हूँ व्हाइट फेस, पर ये व्हाइट फेस नहीं है ये पाइड है, तो ये मेरे से उस प्राइस में मत मांगो जो आप पीस देख रहे हो। पाइड के प्राइसेज अलग है, वो प्राइस से आपको सेल्फ बर्ड मिल जाएगा। हैंड फीडिंग में देख रहे हो तो हैंड फीडिंग में कैसा होता है, अगर आप ज्यादा बर्ड उठाओगे तो प्राइस कम हो जाएगा। हैंड फीडिंग का भी कैसा होता है कि मैं डिफर करता है कि कैसा बर्ड है। कॉकटेल्स में कैसा है कि पूरा जो ये है ना प्राइसिंग है ना पूरा बर्ड पे डिपेंड करता है कि मार्किंग कैसी ला रहा है बर्ड। ऐसा है कि अगर मार्किंग थोड़ी अच्छी हो गई तो वही सेम बर्ड आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल है, पर उसका प्राइस बहुत डिफर करता है। एक बटरफ्लाई का बोलूँ तो अभी आजकल मार्केट में लगभग 13,000-14,000 रुपए आराम से बिक रहा है, आराम से उससे ज्यादा में ही बिक रहा है। अगर एकदम परफेक्ट बटरफ्लाई देख रहे हो तो 15,000-18,000 रुपए में देख रहे हो, वही चीज़ है जैसा, मतलब खाली मार्किंग थोड़ी लाइट हो गई। तो प्राइसिंग के लिए कॉल करो, जो भी रहेगा मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ। और जैसा भाई ने बताया अपने पास A19 भी अवेलेबल है और एक्सपायरी अभी मेरे पास ये दो डब्बे अवेलेबल है जिनकी एक्सपायरी है, मतलब ये मेरे पास दो भरे हुए, ये तो खाली है और दो भरे हुए। इसकी है 2024 की एक्सपायरी है 7वें महीने की, तो समझ लो ये भी है। और KT भी अपने पास अवेलेबल है, KT का मेरे पास शायद October 24th की एक्सपायरी है। तो मेरे पास अभी फ्रेश स्टॉक ही सब पड़ा है। आपको जो भी चाहिए हैंड फीडिंग फॉर्मूला चाहिए, पैलेट्स भी अपने पास अवेलेबल है, इससे पहले भी भाई ने बताया थे पैलेट सुप्रीम के पैलेट्स अवेलेबल है, वो भी वही प्राइस है अभी करंटली 200 रुपीज़ 200 ग्राम। मिनिमम 200 ग्राम लो, उससे कम लोगे तो मतलब भी नहीं बनता, आपका आना भी ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा लग जाता है आपको, अगर ऐसा आस पास में रहते तो अच्छी बात है। और कि वीफास्ट वगैरह हो जाता है ना भाई, वीफास्ट हो जाता है, वीफास्ट फॉर्मूला चाहिए आपका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। देखो भाई ये एक्सपायरी देखो इसकी 24 है और ये दो डब्बे खाली पड़े, खाली पड़े दो डब्बे और दो डब्बे भरे हुए, मतलब मेरे पास पीस अवेलेबल रहते और क्वालिटी चीज दे रहे, कुछ ऐसा नहीं है कि सस्ता प्रोडक्ट खिला रहे या बर्ड, ऐसा नहीं है, अच्छी चीज खिला रहा हूँ, अच्छा से दे रहा हूँ बर्ड। जो भी आपको चाहिए कॉन्टेक्ट करो भाई। कुछ ब्रीडिंग पेयर्स के लिए लोगों को ब्रीडिंग पेयर डालना है तो ब्रीडिंग पेयर में अपने पास वाइल्ड में एक पीस अवेलेबल है भाई, ये कॉकटेल में पाइड में देखो ये अवेलेबल है, पाइड में है। ये देखो ये एकदम ये जो इस साइड में लेफ्ट साइड में बैठी है वो फीमेल है, मतलब वीडियो में राइट में आ रहा है, जो राइट साइड में बैठी है वो फीमेल है और लेफ्ट में बैठा है वो मेल है। वो पेयर अपने पास अवेलेबल है। रेड रेड क्यों है? ये भाई डाइट की वजह से होता है, क्योंकि देखो डाइट में कैसा ब्लड खिला रहे हो लोगों को। नहीं भाई डाइट में कैसा है, इनको मैं अच्छा स्पेसिफिक डाइट देता हूँ, अगर आज का ही बताऊँ तो आज इनको मैंने दिया, मैं नहीं बोलता ये डाइट आप लोग फॉलो करो, मैं करता हूँ। बीटरूट वगैरह खिला रहे हो क्या? बीटरूट देता हूँ, ब्रोकली देता हूँ, पम्पकिन देता हूँ, ब्रोकली पम्पकिन जुकीनी देता हूँ, ये सब चीज बर्ड को देना चाहिए। मैं आपको फॉरन एवरेज थोड़ा हेल्प आउट करता हूँ। देखो बर्ड को ना इन्वेस्टमेंट करो, जैसे ना अच्छी चीजों में खिलाओ उसको, ब्रोकली हो गया, जुकीनी हो गया, ब्रोकली का सीजन अब आएगा तो ब्रोकली भी खिलाओ, पम्पकिन दो, पम्पकिन देना चाहिए, बीटरूट दो, कैरेट वगैरह लोग डालते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल एक लिमिट के ऊपर बर्ड को हानिकारक है। अच्छा, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ आपको। कोई भी आप जो नॉर्मल पेट शॉप से लेते हो ना वो क्या बोलता है मालूम है? जैसा पालक डालो, कोथमीर डालो, डंडी डालो, थोड़ा बीज डालो, हो जाएगा तुम्हारा बर्ड बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, वो ऐसा लाइव वाइल्ड में ये सब चीज नहीं खाते। वाइल्ड में तो बर्ड है ना फ्रूट जो खाता है ना, अगर आप मतलब मैं देखो मैं ऐसा है ना, मैं बहुत टाइम से बैठा हूँ, जैसा मैंने बताया मेरे को कोई हेल्प आउट नहीं करता था, तो मैं फॉलो करता था बड़े बड़े ब्रीडर्स को फॉलो करता था,
सबसे बड़ा ब्रीडर जिसको मैं फॉलो करता हूँ, सब फॉलो करते हैं, टोनी सिल्वा है उसका नाम। टोनी सिल्वा को फॉलो करो, टोनी सिल्वा बोल के एक बहुत अच्छा बहुत ज्यादा मतलब नामचीन वर्ल्ड में सबसे नाम सबसे बड़ा ब्रीडर माना जाता है वर्ल्ड में, बाहर का है बंदा है वो, मतलब इंडिया का नहीं है, इंडिया के एक अपने थे, एक्सपायर हो गए अभी रिसेंट में थोड़ा, उनको भी बहुत माना जाता था, पर मैं टोनी सिल्वा को ज्यादा मानता हूँ। उनका यूट्यूब चैनल भी है ना, टोनी सिल्वा का यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, बहुत गाइड करते, हेल्प आउट करते, पर कैसा है कि वो बताते हैं तो वो उनका डाइट देखो वो कैसा डाइट देते वैसा है, और वो बताते बहुत अच्छा नॉलेज देते, फॉलो करो उनको। वो ही बोलते हैं कि बर्ड को वैरायटी खाना देना जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि आप उसको, और सबसे ज्यादा वो प्रमोट जो चीज को करते हैं वो दो चीज है, वो है एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और पैलेट्स को। पैलेट्स वो बोलते हैं जरूर दो बर्ड को, इसके लिए मैं पैलेट देता हूँ क्योंकि बर्ड की हेल्थ लाइफ उसी से अच्छी होती है। तो वाइल्ड बर्ड को भी पैलेट्स वगैरह डालना चाहिए भाई, वाइल्ड में बर्ड क्या खाता है आपको पता है? वाइल्ड में बर्ड जो खाता है ना फ्रूट, वो कच्चे फ्रूट खाता है। टोनी सिल्वा को फॉलो करो ना, वो बताए वाइल्ड में ना बर्ड है ना जो अपन खा रहे हैं ना फ्रूट, वो ना शक्कर से भरा हुआ एक पैकेज खा रहे बर्ड, वाइल्ड में जो चीज खाता है ना वो कच्ची खाता है, क्योंकि बर्ड है ना प्रेडिटर नहीं है प्रे, ये लोग ना इनकी फितरत है डरने की, जैसे इंसान में बोला जाता है ना फ्लाइट फाइट ये होता है, रस्से बोलते हैं मतलब जीन्स, कैसा होता है कि कोई कोई लोग ऐसा डर के ऐसा अटैक कर देते हैं, उनको फाइट बोला जाता है, कोई भाग जाते हैं उनको फ्लाइट बोल, तो ये प्रेडिटर नहीं प्रे, तो इनकी फितरत है भागना, तो ये क्या करते हैं इनको ना दूसरों से कम्पीट नहीं करना, दूसरे जो मतलब मेन इनका कंपटीशन जो बर्ड्स का होता है ना होते बंदर। अच्छा बंदर इनका सबसे बड़े कंपटीशन है वाइल्ड में। ओके देखो जो चीज रख रहे हो ना उसका नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने बोल दिया ना वो चीज फॉलो करो, नहीं इनका रिसर्च करो, रिसर्च करो खुद करो, और नहीं तो मेरे से बर्ड लोगे तो मैं तो पूरा हेल्प आउट करता हूँ, पर सिर्फ हेल्प आउट के लिए मत आओ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ्री टाइम है खाली, बीच में भी दो तीन जन कॉल किए बोले भाई बॉडी ऐसा हो गया है क्या दू, ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। देखो मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता अगर आपने मेरे से बर्ड नहीं लिया, सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, ये नहीं है आप ये मत सोचो कि ये एरोगेंटली बोल रहा है, पर मेरा भी टाइम है, मेरा भी मैं आपको नॉलेज गाइड कर रहा हूँ, आप रिसर्च खुद कर लो, मेरा नॉलेज है, मैं नॉलेज शेयर आपसे नहीं करना पसंद करूंगा क्योंकि आप मेरे से बर्ड नहीं लिए, क्योंकि मेरे से लिए होते तो मेरे को मालूम होता मेरा बर्ड कैसा है क्या क्वालिटी में डिफर कर रहा है, मेरे को मालूम है मेरे बर्ड में ये बीमारी कभी नहीं आएगी, और वो आएगी तो क्यों आएगी मेरे को मालूम है ऐसा, तो मैं ऐसा लोगों को हेल्प आउट नहीं करता हूँ, पर मेरे से लोगे तो फुल मैं गाइड अप करूंगा, मेरे को जितना नॉलेज है मैं शेयर करूंगा, तो वही मैं बोल रहा था भाजी वीजी सब देना जरूरी है ऐसा है बर्ड को, इसके लिए ये इनका मुंह लाल होता है क्योंकि ये बीटरूट खाते हैं, इनको बीटरूट में जब चॉप करके देता हूँ ना तो ये खाते हैं ना तो शौक से खाते, वो निशानी है कि बर्ड ने बहुत अच्छे से खाना अपना खाया है, मतलब वो एक तरह का एविडेंस है आपको ऐसा भाई ये पाइड में है ना, हाँ पाइड में, और मेरे को लोग ये भी बोलते हैं कि ना भाई कि मैंने इससे बर्ड लिया उससे बर्ड लिया जिससे भी बर्ड लिया मेरा बर्ड ये नहीं खाता मेरा बर्ड वो नहीं खाता मेरा बर्ड ऐसा नहीं खाता, देखो तुम अगर सस्ते में बर्ड लोगे ना तो ये जो ब्रीडर्स होते हैं ना जो सस्ते में बेच रहे आजकल, देखो पहले तो ये पेट्स लाइफ से चालू करेंगे, पेट्स लाइफ खिला के बर्ड को बड़ा करेंगे सस्ते में देंगे, और देखो भाई सबको माल बेचना है ना तो बोल बच्चन हार्ड मारते सब भाई, सबका बोल बच्चन ऐसा है ना कि अब कोई नहीं बोलेगा कि सामने से आके मैं पेट्स लाइफ खिला रहा हूँ बोल के, कोई नहीं बोलेगा सब और ना, पर लगभग बहुत मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक जो है ना पेट्स लाइफ खिला के, सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे, सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे, बहुत मेजोरिटी पर्सन है, क्योंकि देखो मार्केट है ना ऐसी हो रही है ना कि सब सस्ते के पीछे भाग रहे, सस्ते के पीछे भाग रहे ना तो हम लोग को भी ऐसा है ना सस्टेनेबल नहीं है, उसमें जो दो तीन बचे जो क्वालिटी मेंटेन के चक्कर में उनका माल बिक रहा है, वही बात है मेरा भी मैं वही बोल रहा हूँ, तो मेरे को वो प्रमोट करना है कि ना क्वालिटी चीज लो क्वालिटी प्राइस में लो, क्योंकि देखो आप लोग सस्ते के पीछे भागते जाओगे ना तो एंड ऑफ द डे हॉबी ना कहीं डूब जाएगी, ये डूब जाएगी और उसमें लोगों का ही हाथ होगा डूबने में, क्योंकि देखो पेट्स लाइफ खिला के ना बर्ड को बड़ा तो कर लोगे बाद में, फिर मेरे को मालूम है मैं भी बैठा हूँ एक्सपीरियंस कितनी तकलीफ देगा बर्ड, और ऐसा है ना मेजोरिटी ऑफ द पर्सन पेट लाइफ के पीछे जा रहे हैं, मैं उनको गलत भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑडियंस ही चाहती है कि मेरे को सस्ते में मिले राइट, आप थोड़े से पैसे के चक्कर में मत जाओ, अच्छी चीज लो अच्छे लोग से लो, और मालूम होना चाहिए लोग अच्छे से रख रहे तो ही उनसे लो, मत जाओ तो आप खुद उनसे लेना बंद करोगे ना तो समझ जाएंगे कि अपने को भी अभी अच्छी क्वालिटी में आना पड़ेगा, तो मार्केट अपने लिए नहीं चल रही है, सिंपल सा लॉजिक बोलूंगा 1,500 के चक्कर में मत भागो, अच्छी चीज लो अच्छे लोगों से लो, वही बात है
वही सब है। ठीक है भाई, तो ये ब्रीडिंग पेयर आपने बताया एक मेल फीमेल का, क्या प्राइसिंग रहने वाला है भाई इनका, और ये कब तक ब्रीड करेंगे? पेयर अभी मेरे पास तो विदाउट डीएनए है भाई। विदाउट डीएनए? हाँ, ये विदाउट डीएनए, अगर चाहिए तो किसी को डीएनए करा दूंगा। ये समझ लो एक लगभग 7-8 महीने के आसपास के बच्चे हैं मेरे पास। ये मेरे पास तभी भी थे, पर मैंने इनको सेल नहीं किया था, मतलब शो नहीं किया था। अभी तो मैं सोच रहा हूँ इनको निकाल के थोड़ा दूसरे पीस मेरे पास है इनको रखना है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो ये मैं आपको विदाउट डीएनए लोगे तो देखो 9000 में दे दूंगा, विद डीएनए फिर वो डीएनए का एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस इसमें मेरे पास और एक एक्स्ट्रा फीमेल एक पर ही है। अच्छा, ये सिंगल फीमेल, ये एडल्ट फीमेल है, ये किसी को चाहिए तो एक ही पीस बची है, इससे पहले जो पहले का स्टॉक था उसमें एक ही बच गई। सिंगल फीमेल है, एडल्ट है, रेडी टू ब्रीड है। बाकी मेरे पास जो थे वो कॉकटेल्स के भाई ने दिखाए थे और थोड़े पीस थे, वो सब निकल गए। अब ये रेडी टू ब्रीड एक फीमेल पड़ी है डीएनए के साथ है। ये इसका प्राइसिंग में 4500 में आपको विद डीएनए आ जाएगा पूरा पूरा, और एडल्ट फीमेल है और बहुत एकदम अच्छी मार्किंग की बच्ची है, एकदम बोलेंगे ना सैडल बैग, प्रॉपर सैडल बैग में जैसी है, पूरा सा खाली चेस्ट एरिया पे उसको मार्किंग आ गया। ओके, सैडल बैग में बहुत अच्छी मार्किंग में, ये आपको 4500 में विद डीएनए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो कॉकटेल्स में आपने सारे चिक्स वगैरह देख लिए जो भी भाई के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ठीक है, डिलीवरी आप करते हो भाई? डिलीवरी आपको जहाँ चाहिए मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं सब जगह तो डिलीवर कर ही देता हूँ। और देखो डिलीवरी का कैसा है कि डिलीवरी थोड़ा ऐसी जगह पे भी मत मंगाओ जहाँ पे मतलब मैं ना ट्रेन रुके ना बस जाए। ट्रेन ज्यादातर मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रेन में कैसा ना क्लाइमेट कंट्रोल नहीं कर सकता, और ट्रेन में जब जो लोग लेके जाते हैं ना वो एक पैक एरिया रहता है, मतलब लोडिंग लोडर जाता है उधर पे जाता है, तो वहाँ मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ जब बस आती है, देखो उससे ना क्लाइंट को भी अच्छा हो जाता है, मेरे को भी अच्छा होता है, क्योंकि ट्रेन का कैसा है, ट्रेन का ना आपको इतने घंटे पहले सामान जाके लेना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है, और जाके उसके बाद में ना आप टावर तो भी नहीं ले सकते, उधर पे थोड़ा प्रोसीजर्स रहते हैं, आपको सब डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे सब, या तो आपको एजेंट को पकड़ो वो करके देगा, पर वो चीज करने में भी बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ बस का, क्योंकि बस का कैसा होता है, मैंने यहाँ से पैक करा, मैंने बस में डाला, आपको आपके घर के पास नजदीक में जिधर भी आपके बस आती है, जो हम लोग के लोकेशन से आती है मुंबई से या अंधेरी से, जो भी आपके पास में आसपास में बस आती है वो बस आपको घर पे भी ला के दे देगी। और कैसा होता है बस में ज्यादातर एसी बस ही देता हूँ, या तो नॉर्मल बस में भी देता हूँ, तो मैं उसको समझा देता हूँ कि फैन के नीचे रखना, क्योंकि बर्ड वगैरह जाना चाहिए, क्योंकि बर्ड मेन ट्रैवल करता है ना, तो सबसे बड़ा जो उसको नुकसान है वो डिहाइड्रेशन का, बर्ड डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं मिलता है, और पानी दोगे तो वैसा केस दोगे ना, तो कैसा ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है बर्ड ना पैर डाल के तोड़ लेगा पिंजरे में, तो जैसा मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया मेरे साथ एक हादसा हो चुका है, वो चीज मैं नहीं किसी को देना चाहता, इसके लिए मैं वो केज में नहीं डालता हूँ। तो बर्ड को पानी डालना प्रेफरेबल नहीं है ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो इसके लिए मैं नहीं डालता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसा मतलब बस में कैसा है कि वो हवा लग रही है तो वो इतना स्वेट नहीं कर रहा, आप रहा नहीं है, तो वो इतना डिहाइड्रेट कम होएगा, तो मेरा प्रेफरेबल ये रहता है। ठीक है, मैं ट्रेन से नहीं करता हूँ, सिंपल बोलूँ तो मैं नहीं करता, और मैं नहीं करूंगा, अगर आपको ट्रेन से चाहिए नहीं मिलेगा, बस से चाहिए वीपा मिल जाएगा, और भाई किसी को आके देख के लेना है तो अभी आपका घर है, कुछ टाइमिंग वगैरह है, बेस्ट ऑप्शन ये लेके जाओ, ट्रेन से अगर मंगाना है तो मैं नहीं करूंगा, और मैं पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ा मैंने जैसा इंसिडेंट बताया ट्रेन की वजह से हुआ है, तो मेरे को वो पसंद है। भाई घर पे आके लेना है तो किसी को घर पे आओ कॉल करो, मेरा लोकेशन तो सबको पता है, भाई ने बता ही दिए, मुंबई जेबी नगर अंधेरी बोल दो, अंधेरी ईस्ट, जो भी मुंबई वाले वो प्रीफर करो कि आके अपना बर्ड, और देखो मैं ज्यादातर बोलूंगा मुंबई वाले लोग को बोलूंगा कि लोकल ब्रेड बर्ड्स लो, लोकल ब्रेड बर्ड्स का कैसा होता है कि जैसा मैं नहीं बोल रहा मेरे से ही लो, और भी लोग जो लोकली ब्रेड कर रहे रैदर देन ट्रेडर से लो, क्योंकि ट्रेडर है ना माल बहुत जगह से लाता है, और वहाँ का क्लाइमेट आपके क्लाइमेट से सूट करता है, वो चीज भी डिफर करती है। और अब जब एक ब्रीडर से बर्ड लेते हो ना तो उसको मालूम है, जैसे मैंने आपको बोला कि बर्ड बोलते लोग ये नहीं खाता वो नहीं खाता ये नहीं खाता, क्योंकि ये लोग क्या करते मालूम है भाई, ये सिर्फ दो चीज देते हैं बर्ड को, सीड्स है और एक मक्का, लॉट में मक्का उठा के लेके आएंगे, और हर तोते के पिंजरे में आपको एक मक्का मिलेगा, तो बर्ड एंड ऑफ द डे वही खाने की आदत है। लोग भी बोलेंगे हाँ बराबर, मैं गया था तो मक्का तो था उसके केज में। देखो आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते, देखो मैं ना देखो चाहता हूँ ये हॉबी प्रमोट है, मैं पोल नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि ना देखो गलत के खिलाफ आवाज उड़ाना भी अच्छी बात है, और ये बट किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए भाई, किसी के लिए मैं किसी का देखो
मैं चाहे ना तो बहुत जन के नाम ले सकता हूँ मेरे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया राइट, पर मेरे को किसी को गिराना नहीं है। और बोलूंगा ना तो नामचीन लोग, बस उधर जाओ, यही अल्ताफ भाई का मैसेज है। नामचीन लोग है, बड़े बड़े बिल्डर्स है आजकल, बड़े बड़े में कर रहे हम छोटे में बैठे हैं, पर अपने को सुकून है इंशाल्लाह भाई, लोग सपोर्ट करेंगे आपको, आपका शौक और आगे जाए। ठीक है, बाकी मैं बोलता हूँ मेरे से बढ़ लोगे, मैं आपको एक पेपर में लिख के दे सकता हूँ, बढ़ को कुछ भी डालो बढ़ नहीं खाएगा, बढ़ ला के रिटर्न मेरे घर पे छोड़ के घर पे छोड़ जाना मेरे, मेरा बढ़ चाहे वो कोई भी मेरा बढ़ हो, भाजी हो, सैलेड्स हो, फ्रूट हो, जो भी आप दो और जो देना चाहिए। अभी ना बहुत से लोग है ना बढ़ को अच्छी तरीके में रखना चाहते हैं, रख ही नहीं रख सकते, बढ़ खाने की आदत ही नहीं। राइट भाई, ये चीज बहुत लोग फेस कर रहे हैं, सोचते हैं कि मैं इसको ये दू पैलेट्स दू ये दू, अरे लेकिन खा रहा ही नहीं है तो क्या देंगे इसको, वो आदत ही नहीं। तो फिर इसको क्या करना चाहिए भाई, कैसे आदत लगा इसको, वही बोला ना भाई अच्छी चीज के तरफ दो। अब वो बहुत उसको भूखा रख के फिर सिर्फ पैलेट्स दो कि वो भूख लगी तो खाएगा ही खाएगा उसको। ये चीज कभी नहीं बोलूंगा बड़ के साथ ऐसा करो, ये नहीं बोलूंगा, मैं गलत चीज नहीं बोलूंगा। देखो भाई, और देखो मैं सिंपल ये बात बोलता हूँ, मेरे से बर्ड नहीं लिए ना तो मैं उसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बर्ड की ना मेरे पास पेडिग्री नहीं, पेडिग्री का मतलब होता है कि बर्ड की हिस्ट्री नहीं है, बर्ड कहाँ से आया कैसा आया। मेरे पास है ना कोई भी बर्ड ले तो ना उसके पेरेंट्स, उसकी ब्लड लाइन सब मेरे को मालूम, मैंने किससे लिया मेरे को भी मालूम ऐसा, क्या मैंने इस बंदे से लिया। और मैंने ना ये सब बर्ड्स है ना किसी ट्रेडर से नहीं लिए, सब ब्रीडर्स है, जितने लोग ने भी मेरे को दिए सबके सब ब्रीडर्स बर्ड से लिया, तो मेरे को सबका घर मालूम है और मैं घर पे जाके लिया ज्यादातर, तो एक दो छोड़ के जो मैंने सर बताया लंबे से लिया। मैं बोला ना महाराष्ट्र घुमाऊ बर्ड्स के चक्कर में, तो मैंने सबके बर्ड के ना जो भी है ना मेरे को पता है कि मैंने किस ब्रीडर से लिया है, तो मेरे को पूरा आइडिया है। और मैंने बर्ड को कन्वर्ट किया है, पर मैं इसके लिए मत कॉल करो, देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारा बर्ड है तुमने जिससे लिया उसी से हेल्प आउट करो, क्योंकि आपने किसी को पैसा दिया उसी से नॉलेज। ऐसा नहीं बोला मुझे पैसा नहीं दिया मतलब मैं हेल्प आउट नहीं करूँ, वो गलत नहीं है वो, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे मेरा भी टाइम है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं भी हर किसी को भाई हैंडल करने जाते, क्लिनिक खोल के बैठना पड़े, खोल के बैठो नॉलेज देने, एवरी हटा के फिर अल्ताफ डॉक्टर विटनरी डालना पड़ेगा। मेरा बर्ड हर चीज खाता है, ऐसा सोचो मत, जिससे ले रहे हो ना उसको पहले। अरे कैसा है कि कोई अगर अल्ताफ भाई से बढ़ लेता है तो अल्ताफ उसकी पूरी डाइट बता सकते हैं कि भाई आप ये डालो ये डालो ये डालो, वो खाएगा ही खाएगा। और पैलेट से ना देखो मैं ना पैलेट्स को इतना प्रमोट करता हूँ, जैसे मैंने बोला टोनी सिल्वा को प्रमोट कर, क्योंकि कैसा होता है ना कहीं एंड ऑफ द डे आप भी इंसान हो, घूमने जाओगे कहीं ना कहीं जाओगे, थोड़े दिन के लिए जाओगे, बर्ड को क्या दोगे तब क्या दोगे, तब उसको किसी को ऐसा नहीं दे सकते। तो बर्ड को ना आप एक हफ्ते तक है ना सीड्स और पैलेट पे रख सकते, एक हफ्ते तक आपका बर्ड है ना सीड्स और पैलेट पे, और उसके लिए आपका बर्ड पहले से कुछ चीज खाना चाहिए। आप रातों रात बोलोगे अभी मैं घूमने जा रहा हूँ तू पैलेट खाना, चलो नहीं खाए तो पहले से कन्वर्ट करो। और पैलेट्स का ऐसा है ना जो देखो मैंने जैसा बोला दूसरे ब्रांड है इससे महंगे भी, नहीं बोल रहा हूँ कि इससे महंगे नहीं, इससे बहुत महंगे भी ब्रांड है, पर मेरे हिसाब से जो देखो अपने को कोई चीज हो तो वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, कि उसमें इतना लगा रहे हो तो मतलब भी निकलना चाहिए। मेरे हिसाब से जूपरी में अच्छा ब्रांड है, जो अच्छा अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत नामचीन ब्रांड है वर्ल्ड में, वो ऐसा है कि कॉर्नियर कॉकटेल्स के लिए बहुत अच्छा बहुत रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट दिखता है, लोग मक्का उसको भी देते हैं, उतना रिजल्ट है उसमें, वो चीज में सपोर्ट कर रहा है और बैकअप है उनका, बहुत पुराने हैं वो मार्केट में तो उनको पता है कि क्या वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं पैलेट भी दो थोड़ा, पैलेट भी अवेलेबल है, कॉन्टेक्ट करो किसी को भी, डिलीवरी चाहिए पैलेट की मिल जाएगी, हैंड फीडिंग की चाहिए हैंड फीडिंग मिल जाएगा, बर्ड का चाहिए बर्ड भी आपको मिल जाएगा पॉसिबली, अल्ताफ थैंक यू, आपने आपके बर्ड्स दिखाए और सच्ची में आपने बहुत अच्छी है, मतलब आज बहुत ज्यादा मूड में थे भाई ने, थोड़ा ये अभी पुराना अभी थोड़े दिन बाद आए ना तो लोगों ने बहुत फीडबैक, जो मेरे को सुन के अच्छा नहीं लगा लोगों से। देखो मैं किसी को देखो तसल्ली दे सकता हूँ, पर मैं उसको ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ तुम्हारा बर्ड दे दो मेरा बर्ड ले लो, ऐसा नहीं है, तुमको तुम्हारे बर्ड के लिए केयर करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना बोलूंगा क्वालिटी चीज के लिए जाओ, बाद में एंड ऑफ द डे पछताने से अच्छा सर पटकने से अच्छा भाई ये नहीं खा रहा भाई ब्रीड नहीं कर रहा। जैसा कॉल आते हैं ना देखो बहुत से लोग को कॉल आते हैं बड़े बड़े ब्रीडर्स को, सब लोग कॉल करके तकलीफ दे रहे और ब्रीडर लोग चिढ़ जाते हैं, सबका पर्सनल टाइम है,
आप उससे सामान नहीं ले रहे हो। जैसा मैं बोलू आपको एक सिंपल एग्जांपल दू, आईफोन लिए ना, आईफोन के शोरूम में ही जाना पड़ेगा उसका इससे पूछने के लिए जाए। अभी तुम आईफोन लेके एंड्रॉइड के शोरूम में जाके बोलोगे ये ठीक करके दे, तो बोले मेरी चीज नहीं है। मोबाइल में आपको इतना समझ में आता ना कि जिसके लिए उससे बराबर नॉलेज लेना है। राइट भाई, 100% आप जाके उसकी नॉलेज लो। इस बात में एंड ऑफ द डे देखो आईफोन लोगे तो चीज अच्छी है, पैसा महंगा है पर चीज अच्छी मिली, चीज अच्छी मिली। और सस्ता ब्रांड का फोन लोगे तो वही है, इतना मुश्किल है। और उसका सर्विस सिस्टम कॉन्टेक्ट मतलब कस्टमर सपोर्ट आपको वैसे ही मिले दे रहे हैं। तो ठीक है, चीज अच्छी लो बस। ओके अल्ताफ, तो भाई के कोई भी बर्ड्स पसंद हो भाई को कांटेक्ट करो। ओके अल्ताफ भाई, ये वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं, ठीक है। एंड टिल देन के लिए थैंक यू।